वेल दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम इसके एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को जो अभी भी नहीं पता है कि आउटब्रेक ऑफ COVID-19 यानी एडवांस COVID-19 आप जो है दो बार भी अप्लाई कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग अब ये सुन के सोच रहे होंगे, बोलेंगे कि हमें तो पता है इसमें कौन सी नई इन्फॉर्मेशन है, क्लिक बेट वीडियो है। बट मैं आपको बताना चाहूँ कि क्योंकि मैं जो है PF की वर्क करता रहता हूँ, मुझे मेरे पास जो है दिन की 6 से 4-5 क्लाइंट ऐसे मिलते ही रहते हैं हमें, और मुझसे जो है पर्सनल कंसल्टिंग लेते ही रहते हैं, ओके पूछते रहते हैं। तो जब मैं चेक देखता हूँ, ओके काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं कि आप COVID-19 दो बार अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में चाहे तो काफ़ी केस आपको मैं ओपन करके दिखा सकता हूँ जहाँ पर जो मेंबर है उसे पता ही नहीं था कि उसने जो आउटब्रेक ऑफ COVID-19 सेकेंड बार भी आ चुका है। उसको सिर्फ पता है कि एक ही बार आ चुका है, क्योंकि मुझे जो पर्सनल कंसल्टिंग ज़्यादा आती है वो काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि हम कैसे एडवांस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स विदड्रॉ कर सके। तो फिर मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले काम करो, आप इलनेस अप्लाई करो, इलनेस के बाद जो है COVID-19 अप्लाई करो। बट वो कैसे लोग बोलते हैं, अरे हमने तो एक बार अप्लाई कर दिया है तो ऑप्शन हमारे इसमें नहीं है, अभी हम नहीं कर सकते, एक ही बार कर सकते। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आप दो बार अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, क्यों ऐसा थियोरेटिकल बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखो गाइज, इनके केस में इन्होंने ऑलरेडी जो है एक बार अप्लाई कर दिए थे आउटब्रेक ऑफ COVID-19। अब देखो सेकेंड टाइम भी इनको जो है ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन देखो गाइज, अगर आप दोनों बार निकाल लिए, अगर आपने विड्रॉ कर दिया तो ये आपका जो एंट्री यहाँ से हट जाएगा, ओके, और आपको रेड में जो है शो करेगा। बट ये अभी जैसे कि हाईलाइट है क्योंकि जो है अप्लाई कर सकते हैं आप। इन्होंने अभी तक के COVID-19 सेकेंड बार जो है अप्लाई नहीं किया, एक ही बार अप्लाई करके छोड़ दिए है। तो इसके लिए जो मैं अपने जैसे कि सब्सक्राइबर को भी बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू कि आप अपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो यार अप्लाई कर लो, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकते हो ऑप्शन, ओके। इसके बारे में EPF ने तो कोई अभी तक सर्कुलेशन या कोई भी अभी तक प्रेस या कुछ भी आप जो है अभी तक रिलीज नहीं किए हैं, बट बोल नहीं सकते कि ऑप्शन कब तक रहे। काफ़ी अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ कि तीसरी बार भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी, ओके, उम्मीद कम है तीसरे बार आने की, बट जाने की ज़्यादा भी उम्मीद हो सकती है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर लीजिए। COVID-19 सेकेंड टाइम आप क्लेम अप्लाई कर सकते हैं, 3 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जहाँ तक पैसा जितना आना है, ओके गाइस, जो आपका सैलरी जो PF अमाउंट का 75% या फिर आपकी जो भी बेसिक प्लस DR अलाउंस जो है लास्ट 3 मंथ्स का कैलकुलेट करके जो भी कम अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में सेटल हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो यार सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते कंजूसी करते हो, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।